मुझे लगता है कि वो लोग जो देश के लिए जीते हैं, जो देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा समर्थ बनाया जाना चाहिए। जो सबसे पहले औजार हमारे हाथों में हैं, वो हमारा अपना शरीर, मन और हमारी ऊर्जा है। अपने शरीर और मन को विकसित करना और सबसे बढ़कर अपनी ऊर्जा और जोश को सबसे ऊंचे स्तर पर रखना, योग का एक पूरा सिस्टम मौजूद है जो ऐसा कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसका लाभ हर उस सैनिक को मिलना चाहिए जो इस देश की रक्षा कर रहा है। जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का माहौल है, यहाँ के माहौल में एक ताजगी और एक सुगंध है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन उस वातावरण में एक खुशबू है, और वो खुशबू भी कई तरह की होती है, लेकिन वो खुशबू एक ऐसी है कि जो आदमी को एक अलग सी फीलिंग कराती है अपने हृदय में, और साथ में उस सुगंध में एक शीतलता है। जहां तक यहाँ के अनुभव का प्रश्न है, तो आखिरी 15 दिनों में मैं कहूंगा कि अंगमर्दना अगर एक संजीवनी के तौर पे हमने सीखा है, क्योंकि अक्सर एक सोल्जर को हमें देखने को मिलता है एज के साथ साथ, खासकर वो जितना विषम परिस्थितियों में रहता है उसकी फिटनेस कहीं ना कहीं सफ़र करती है। तो स्ट्रक्चर्ड पीटी में एक हमारे जहन में खाका बन जाता है कि यार यहाँ तो चलने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं है, बंकर में हो सकता है आपको 4 दिन लगातार बैठना पड़ जाए। तो दिमाग में बात आती है यार कहीं थोड़ा मसल्स भी फ्लैक्स नहीं कर सकता, लेकिन 6x6 के एरिए में और जो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है कि आप उपयोगा से आरंभ करते हैं और उसके बाद अंगमर्दना पे एक से कठिनाई का स्तर बढ़ता जाता है। एक योगी की तरह एक सैनिक को भी ये सीखने की जरूरत है कि अपने शरीर, मन और ऊर्जा में ऐसी संपूर्णता कैसे लाएं कि अकेला रहना कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर जबरदस्त शक्ति मिलती है, जबरदस्त, क्योंकि ये एक बहुत मेहनत भरी जिंदगी है, यह अकेलेपन से भरी जिंदगी है। कहने को हम पीस में होते हैं, लेकिन पीस में आवर एम इज टू ट्रेन फॉर वॉर, लेकिन एक समय के साथ साथ जब आप ट्रेनिंग करते रहते हो और परिवार से दूर रहते हो, तो एक मोनोटोनी कहूंगा मैं उसे, स्ट्रेस तो नहीं कहूंगा, तो एक मोनोटोनी आपके रूटीन में सेट होनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियसली आप पे प्रभाव डालता है। उस मोनोटोनी के कारण आप उतनी वाइब्रेंसी स्वयं के अंदर महसूस नहीं करते, लेकिन इन सूर्यक्रिया और अंगमर्दना से हमने जाना कि शारीरिक पहलू के अलावा इनसे आप मानसिक तौर पे बहुत ही सुदृढ़ होते हो। हमारे सैनिकों और अफसरों के मन में समता लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में अपने भीतरी आयाम को व्यवस्थित करने के ज्ञान को बहुत गहराई से खोजा गया है। अगर हमारे सैनिकों को ये न मिले तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी सेनाओं को यह पता हो कि ध्यानमय कैसे होते हैं। बाहर से आया हुआ लड़कों को एक सैनिक बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको बच्चे का जैसे ट्रीट करना पड़ता है, तो एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब यहाँ से हम सीख के जा रहे हैं, तब उन बच्चों को किस तरह से उनका मोटिवेशन करना है, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, उनका वो हम अभी समझ सकते हैं। पहले हम समझ नहीं थे, सिर्फ उनको डिसिप्लिन सिखाते थे, बोला ऐसे रहना, ऐसे बोलना, ऐसे जाना, तो यही हम सिखाते थे। अभी यहाँ आने के बाद उनको समझाएंगे, बोला जिंदगी ऐसी भी है। इससे मैं काफ़ी लाभवंत हुआ हूँ और आने वाले भविष्य में आर्मी भी ज़्यादा ज़्यादा स्तर पे जब हम जाएंगे और इनको सिखाएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि इससे सभी लोग जो भी इस कार्यक्रम के तहत तालीम लेंगे वो सभी लाभान्वित होंगे। We are greatly privileged and honored to have all of you here.